इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पीटिंग जो है अपने सब गुबाऊ को लेकर आता है अपने न्यू घर पर। और गुबाऊ जो है पीटिंग का न्यू घर देख के कहते हैं कि बिग ब्रो आपका न्यू घर कितना बड़ा है, और वहाँ के जाके चीज़ों को देखने लग जाता है और कहते हैं कि बिग ब्रो यहाँ पे तो मेरी सारी फेवरेट्स जो गेम है वो भी रखी हुई है। तभी जो है पीटिंग कहते हैं कि अच्छा संभाल के तुम्हारे पैरों में जो है अभी दर्द है तो इतना तुम इधर उधर मत भागो ठीक है। और वैसे भी जहाँ तुम्हारा रूप है वो तो बंद हो गया होगा क्योंकि लेट हो गया है, तो अब एक काम करो तो अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ भी खाना है या जो भी है तुम ऑर्डर करके मंगा लेना ठीक है। तो गुबाऊ कहता है कि ओके। तभी जो है अचानक से पीटिंग जो है अब गुबाऊ को कैरी कर लेता है, और ये देखिए गुबाऊ थोड़ा सा शॉक्ड रहता है। तो ये देखने के बाद तभी जो है गुबाऊ पीटिंग को कहता है कि बिग ब्रो अगर आप नेक्स्ट टाइम मुझे जब भी कैरी करो आप मुझे इस चीज़ के बारे में बता दिया करो। और जो है गुबाऊ थोड़ा सा घबराया हुआ था। तभी जो है पीटिंग गुबाऊ को कहता है कि ये लो, उसे एक रूम के पास लेकर आता है और कहता है ये लो ये जो है तुम्हारे लिए रूम है, आज जो है तुम यहीं पे सो गए। तभी जो है गुबाऊ जो है वो पीटिंग को देख के कहता है कि भी ब्रो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जो है आज आपकी वाइफ ही जैसा लग रहा हो, आपने जिस तरीके से मुझे जो है कैरी कर रखे हो। तभी जो है पीटिंग तो कुछ नहीं बोलता। तभी जो है पीटिंग गुबाऊ को बेड पे लिटा देता है। तभी जो है गुबाऊ कहता है कि बिग ब्रो आपने ये रूम कितना अच्छी तरीके से मेरे लिए प्रिपेयर किया है। तो पीटिंग कहता है कि ये तुम्हारे लिए कोई स्पेशली प्रिपेयर नहीं किया है, ये गेस्ट रूम है, यहाँ कोई भी आएगा तो वो यहीं पे रहेगा। तभी जो है ये सुन के पीटिंग कह जो है वहाँ गुबाऊ जो है वहाँ पे रखी जो पिल्लो को ऐसे टाइटली हक कर लेता है और कहता है कि जो भी हो मुझे नहीं पता, ये तो मेरे लिए आपने प्रिपेयर किया, यहाँ पर जो भी चीज़ें वो सारी मेरे लिए है। तभी जो है पीटिंग कहता है अच्छा ठीक है जाओ शावर लो। तभी जो है गुबाऊ अपने हाथों को ऊपर करता है तो ये देखिए पीटिंग कहते हैं क्या। तभी जो है गुबाऊ कहते हैं कि भी ब्रो क्या अब आप मुझे जो है कैरी नहीं करोगे ले चलने के लिए। तभी जो है पीटिंग कहते हैं कि तुम्हारे पैरों में चोट लगे कोई तुम्हारे पैर टूट नहीं गए हैं ठीक है। तो ये सुन के गुबाऊ मुँह फुला लेते हैं और कहते हैं कि भी ब्रो आप बहुत बुरे हो, कितने मतलब हो आप। तभी जो है गुबाऊ कहते हैं कि बिग ब्रो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तभी जो है पीटिंग जो है गुबाऊ के पैर को देखता है और कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं करेगा ठीक है, फिर भी मैं कर रहा हूँ तुम्हें मना किया था ना मैं इधर उधर नहीं होने का। हाँ तभी जो है गुबाऊ उठ के बैठता है और कहते हैं बिग ब्रो आखिर आप कर क्या रहे हो, मैं आपका लिटिल ब्रदर हूँ, मैं आपका कोई दुश्मन तोड़ी ना, आप इतनी तेज से जो है मेरे पैरों को दबा रहे हो। हाँ फिर से जो है पीटिंग गुबाऊ के पैरों को जो है थोड़ा मसाज कर रहा था हल्के हल्के हाथों से, लेकिन फिर भी जो है गुबाऊ कहते हैं कि बिग ब्रो थोड़ा धीरे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। और ये सब सुन के जो है थोड़ा पीटिंग को अलग ही फीलिंग आने लग जाती, ब्लश करता है, आप समझ ही गए होंगे ये साउंडिंग से क्या सोच रहा होगा पीटिंग। और इसलिए ये सब सुन के जो है पीटिंग गुबाऊ का पैर छोड़ के वहाँ से तुरंत ही चला जाता है। और उसको जाते हुए देख जो है गुबाऊ देख रहा होता है और बेचारा ऐसे रोने वाला फेस बना के कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, मैं खुद ही को ही जो है हग कर लेता हूँ। हम देखते हैं कि पीटिंग जो गुबाऊ है वो अपने फ़ोन में गेम खेल रहा था। मन में सोचता है ये इतनी देर हो गई अभी तक बिग ब्रो आए फिर नहीं आता, मैंने अपने गेम का 2 लेवल भी खेल चुका हूँ मैं। हाँ तभी जो है वो बेड से उठ कर थोड़ा बाहर की तरफ देखता है और कहता है कि बिग ब्रो अगर कोई आवाज़ नहीं आती तो गुबाऊ को कुछ समझ नहीं आता। तभी थोड़ी देर बाद जो है एक आवाज़ आती है कि आपकी डिलीवरी आ गई, सुनिए गुबाऊ कुछ हो जाता है। डिलीवरी में जो भी खाने के लिए आया होता है वो आराम से वो खा रहा होता है, वो तो जैसे होता नहीं तमन्ना पूरी हो गई हो खाने की जो चाहत थी वो मिल गई अब। तभी जो वो खा रहा होता है तभी जो है गुबाऊ के मन में आता है कि शायद अभी तक बिग ब्रो ने खाया नहीं है। तभी जो है गुबाऊ पीटिंग के रूम के बाहर होता है, कहते हैं बिग ब्रो डिलीवरी आ गई जो हमने ऑर्डर किया था। तभी हम देखते हैं कि पीटिंग जो है अपना आराम से शावर ले रहा होता है, वैसे तो इसमें पीटिंग की बॉडी देखने में अच्छी लग रही है। तभी जो है पीटिंग अपना गेट खोलता है तभी बाहर गुबाऊ होता है और कहता है कि बिग ब्रो मुझे लगा आप अपने हैंड वॉश जो है कर रहे हो, आप इस समय शावर क्यों ले रहे हो और आपने कोई कपड़े क्यों नहीं पहन रखे हैं। तभी जो है पीटिंग कहता है कि वो मैं तो भूल गया था कि वैसे मैं हमेशा ही घर में अकेले ही रहता हूँ ना। तभी जो है सुन के गुबाऊ थोड़ा सा स्मेल करता है और कहता है कि कोई बात नहीं बिग ब्रो, और वैसे भी बिग ब्रो आपकी इतनी अच्छी मसल से आप बाहर आओ ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मेरी ऐसी बॉडी होती मैं तो पूरा टाइम नेक्ट घूमता है इस तरीके से। तभी जो है सुन के थोड़ा सा पीटिंग को शर्म तो आती है। तभी वो कहता है कि अच्छा
गुम हो जाओ, तुम जो है मेरे रूम में जाओ और मेरे लिए कुछ क्लोथ्स ले आओ, यहाँ से राइट हैंड जाओगे वो पहले वाला रूम में जाके ले आना। तभी जो है गुबा वो कहते हैं कि बिकरू मैं आपके अंडरवियर भी ले आऊँ। तो ये सुन के जो है पेटेंग कहते हैं जाओ जो मैंने बोला वो लेकर आओ। तभी जो है गुबा कहते हैं अच्छा अच्छा मैं जा रहा हूँ, वैसे भी मेरे पैरों में चोट है और वैसे भी यहाँ कोई है नहीं, मुझे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। तभी जो है पेटेंग गुबा के हाथ पकड़ के उसे जो है बाथरूम में ले आता है और उसके थोड़ा क्लोज आता है। और ये देखते जो है पीटेंग दोबारा गुवाओ से बोलता है कि क्या तुम्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम है। तो ये सुन के गुवाओ कहता है कि क्या। तो ये सुन के पीटेंग कहता है कि सच्चे में तुम पूरी तरीके से बुद्ध ही हो। और बेचारा क्या करे, पीटेंग उसे पसंद करता है पर गुवाओ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी जो है पीटेंग जो है वो गुवाओ से दूर हो जाता है और बेचारा गुवाओ वो भी थोड़ा ब्लश ही कर रहा होता है, मन में सोचता है ये क्या था। बिग ब्रो मेरे इतने क्लोज थे, हम दोनों साथ में बाथरूम में थे, पर मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, वो मेरे बिग ब्रो हैं। तभी जो है पेटेंग बाथरूम से बाहर निकलता है और गुबा को कहता है कि अच्छा ठीक है इसके बाद जो है तुम दूसरा बाथरूम यूज़ कर लेना ठीक है। तभी जो है ये सुन के जो है पेटेंग भी जो है गुबा जो है बाथरूम से बाहर आता है और कहता है कि क्यों। तभी जो है पेटेंग रुकता है और कहता है कि तुम हर बार यही सवाल क्यों करते हो, हमेशा यही क्यों कहते हो क्यों क्यों, मैंने तुम दूसरा फ्रेश बाथरूम यूज़ कर लेना, यहाँ पे और भी तो बाथरूम है। तो ये सुन के जो है गुबा कहता है कि भाई ब्रो क्या आपको ये डर लग रहा है कि मैं आपकी चीज़ों को यूज़ कर लूँगा। तभी जो है पेटेंग कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, हाँ ए तुम एक तो तुम जो है मेरे घर पे रह रहे हो क्यों, ये मेरी चीज़ नहीं है जो तुम यूज़ कर रहे हो हाँ। तभी जो है ये सुन के गुबा कहता है कि इसका मतलब है कि मैं यूज़ कर सकता हूँ ना, तो आप जाओ आप अपनी चीज़ों को फिनिश करो और मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगा। तो पीटेंग कहता है अच्छा ठीक है, तो मुझे अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज़ मारना। फिर शेर शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि पीटेंग अपने ऑफिस मतलब रूम में होता है, घर का जो स्टडी रूम होता है वहाँ पर होता है, कहता है कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। तभी वो जो है गुबाओ को देखने के लिए रूम में आता है, तो देखते हैं कि गुबाओ सोफे पर होता है, मन में सोचता है कि अभी भी गुबाओ जग रहा है। तभी जो है पीटेंग गुबाओ के क्लोज आता है, तो देखते हैं कि गुबाओ सोफे पर सो जाता है और मन में सोचता है कि गुबाओ देखो तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मैं तुम्हें छू सकता हूँ, पर तुम मेरे क्यों नहीं हो सकते, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस दर्द से क्यों गुजर रहा हूँ। तभी जो है पेटेंग जो है वो गुबाओ के फेस को टच करता है और कहता है कि गुबाओ उठो। तभी जो है गुबाओ उठता है, अपने फेस को टच करता है, कहता है कि बिग ब्रो। तभी जो है पेटेंग कहता है तुम अपने बेड पे क्यों नहीं सोए। तो जो है गुबाओ उठ के बैठता है, कहता है मैं आपका वेट कर रहा था, वैसे टाइम क्या हो गया। तो पेटेंग कहता है लेट हो गया, चलो मैं तुम्हें कैरी कर लूँ। तभी ये सुन के गुबाओ कहता है कि बिग ब्रो ये अजीब नहीं है, पहले आप खुद ही बोलते हो कि मेरे पैरों में सिर्फ हल्की सी चोट लगी, कोई टूटा नहीं, और आप खुद ही कह रहे हो कैरी करने के लिए। तो पीटेंग कहते हैं कि तो इसका मतलब तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें कैरी करूं। तो गुबाओ कहते हैं नहीं बिग ब्रो आप मुझे कैरी करो, आपको पता है मैं कितना आलसी हूँ, चलने में बहुत आलस आता है। तभी जो है पीटेंग जो है गुबाओ को जो है कैरी करता है, ये थोड़ी अजीब सी पोजीशन लग रही होती है। तभी जो है ये देख के गुबाओ भी कहता है कि फिर ये थोड़ी अजीब सी पोजीशन ही है। फिर थोड़ी देर बाद जो हम देखते हैं कि पीटेंग जो है वो गुबाओ को उसके बेड पे छोड़ देता है। तो गुबाओ कहता है कि भी ब्रो नेक्स्ट टाइम ना आप मुझे इस तरीके से कैरी मत करना, बहुत अजीब था, मुझे ऐसा फील होता मैं आपका बेबी हूँ। तभी जो है पीटेंग कहता है अच्छा ठीक है नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तभी जो है गुबाओ स्माइल करके कहता है कि भी ब्रो आप भूल गए कि मैं बस एक ही साल है मैं बड़े होने में, आप अभी मुझे बच्चों की तरह ही रखते हैं, आपको बड़े लोगों का भूलने का तो नॉर्मली होता है। तभी जो है सुन के पीटेंग कहता है कि हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ ना मैंने गलती कर दी तुम्हें इस तरीके से, और आगे नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और जाओ अब सो जाओ, कल तुम्हारा स्कूल भी है वरना लेट हो जाएगा। तभी जो है गुबाओ कहता है कि भाई ब्रो कल मेरा स्कूल नहीं है, तो कोई जल्दी नहीं है, अभी मैं कुछ दिन और रुक सकता हूँ। तभी जो है पीटेंग वहाँ से जा रहा होता है और कहता है लेकिन कल मैं फ्री नहीं हूँ, कल मुझे जो है डेट पे जाना है। और ये सुन के जो है गुबाओ पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहता है क्या डेट। और इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है ये खत्म होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल, और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।